हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम देखेंगे यदि हमारे पास कोई लोड जो रेजिस्टर हो, कैपेसिटिव हो, जो स्टार में कनेक्टेड है, यदि उसे हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई लोड जो डेल्टा में कनेक्ट हो, उसे यदि हम स्टार में कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो स्टार में कनेक्टेड लोड है उसे डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसे डेल्टा टू वापस स्टार करेंगे, तो दोनों की वैल्यू एकदम सेम आना चाहिए। यदि सेम आती है तो हमारा कन्वर्जन एकदम सही हुआ है। तो हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला लेंगे, उससे स्टार टू डेल्टा का ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यदि सही आता है तो हमारा जो कन्वर्जन है वो एकदम सही है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा शॉर्टकट ट्रिक से देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार कनेक्शन है उसे डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहले स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो डेल्टा को यहाँ बाहर लगा लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स इनके हम नाम दे देते हैं। ये ए बी के बीच में बन जाएगा आर ए बी, ये बीसी के बीच में एसी के बीच में बन जाएगा आर ए सी, बीसी के बीच में बन जाएगा आर बी सी। तो फ्रेंड्स अब हम इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूले के लिए देखा जाए तो आर ए बी के साथ सीरीज में ये आ रहे हैं और स्टार इन तीनों से बन रहा है, तो इन दोनों रजिस्टर आ जाएंगे। दोनों रजिस्टर किस तरह लिखेंगे हम, आर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस दोनों रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन आर ए आर बी, डिवाइड में आ जाएगा इसका अपोजिट रजिस्टर, दोनों का अपोजिट रजिस्टर आर सी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर ए बी इज इक्वल टू ये आर सी का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा आर ए आर सी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर बी और होल डिवाइड हो जाएगा आर सी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई। अभी हम यहाँ से आर बी सी की निकाल लेंगे। आर बी सी की वैल्यू देखी जाए तो इसके जो स्टार कनेक्शन बन रहा है वो इन दो रजिस्टर से बन रहा है, इनका अपोजिट रजिस्टर ये है, तो बी और सी आएगा। तो क्या होगा, आर बी धन आर सी धन आर बी आर सी डिवाइड में अपोजिट रजिस्टर आर ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आर बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए आर बी प्लस आर सी आर ए प्लस आर बी आर सी और होल डिवाइड हो जाएगा आर ए। इसी के लिए तरह तीसरे को देखें, आर ए सी की वैल्यू देखें हम, तो आर ए सी इज इक्वल टू दोनों अपोजिट रजिस्टर कौन कौन से, इसमें अपोजिट इसके सीरीज देखे तो आर ए और आर सी से बन रहा है और अपोजिट रजिस्टर आर बी हो रहा है, तो हो जाएगा आर ए धन आर ए आर सी डिवाइड आर बी। सॉल्व करते हैं, आर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए आर बी धन आर सी आर बी धन आर ए आर सी होल डिवाइड हो जाएगा आर बी। अब फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास तीन रजिस्टर लगे थे, ये सपोज 30-30 ओम के लगे हो, 30 ओम के, ये भी 30 ओम का। फ्रेंड्स हमने एक जैसे इसलिए लिए जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को सिंपल हो सके इसलिए हमने एक जैसी वैल्यू ली है। तो हम यहाँ से यदि आर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो आर ए बी की वैल्यू किस तरह निकलेगी देख लेते हैं कैलकुलेशन। फ्रेंड्स यदि आर ए बी की वैल्यू निकाले हम, आर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए आर सी दैट मीन्स 30 × 30 प्लस आर बी आर सी, आर बी आर सी 30 × 30 और तीसरा भी आएगा 30 × 30 और होल डिवाइड आ जाएगा 30। इसकी कैलकुलेशन देखी जाए
तो यहाँ पे आ जाएगा ये 13 × 3900 प्लस 900 प्लस 900 डिवाइड में हो जाएगा 30, दैट मीन्स 2700 डिवाइड 30, इसे यदि हम कैंसिल करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आरएबी की वैल्यू आ गई 90। अब यहाँ से हम आरबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी जस्ट सेम ही आएगी क्योंकि हमने कैलकुलेशन के लिए सारी वैल्यू सेम ले रखी है, तो आरबीसी की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, देखी जाए तो 90 ही आएगी। तो हम लिख लेते हैं 90 और आरसीए की वैल्यू भी 90 ही आएगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि हमने यहाँ से स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म किया, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी क्या करेंगे उसके लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह अभी हमने यहाँ पे 90 90 आया है, यहाँ लिख लेते हैं 90 90 और ये भी हुआ 90। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 90 90 ओम के तीन रेजिस्टर लगा देते हैं। यदि हमारी कैलकुलेशन सही हुई तो अंदर यहाँ पे जब हम इसे स्टार में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले बना लेते हैं, यदि हम इसे स्टार में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इनकी वैल्यू 30 30 आती है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो एकदम सही है। इसके बाद हम फॉर्मूला में ड्राइव करेंगे, तो इसे हम दे देते हैं आर ए, इसे दे देते हैं आर बी, इसे दे देते हैं आर सी। फ्रेंड्स यदि हमारी कैलकुलेशन सही होगी तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 30 30 यदि आती है तो हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है। तो पहले इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा डेल्टा टू स्टार का, पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेते। तो फ्रेंड्स पहले के देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। तो फॉर्मूला देखा जाए तो अभी यहाँ पे हमें आर ए की वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू हो जाएगी इस दोनों के एडजेसेंट रजिस्टर देखे जाए तो ये एडजेसेंट रजिस्टर ये हो गए आर ए बी और आर सी ए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिवाइड में टोटल रजिस्टर का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर ए बी आर ए आर बी, आर ए बी देखा जाए आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइड में टोटल रजिस्टर का सम हो जाएगा आर ए बी धन आर बी सी धन आर सी ए। इसी तरह फॉर्मूले आ जाएंगे, यदि हम आर बी की वैल्यू निकालना चाहे आर बी की, इसके दोनों एडजेसेंट रजिस्टर आर ए बी और आर बी सी हो जाएगा, तो आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइड में हो जाएगा टोटल रजिस्टर आर ए बी धन आर बी सी धन आर सी ए। इसी तरह आर सी की वैल्यू हम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी, आर सी की वैल्यू यहाँ पे सी होगा, आर सी की वैल्यू देखी जाए तो उसके एडजेसेंट रजिस्टर होगा आर सी ए और आर बी सी, तो आर सी ए इंटू आर बी सी डिवाइड में टोटल रजिस्टर हो जाएगी आर ए बी धन आर बी सी धन आर सी ए। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पे 90 90 फॉर्मूला है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या वैल्यू आती देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी देख लेते हैं। फ्रेंड्स पहले आर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर ए बी की वैल्यू है 90, आर सी ए की वैल्यू भी है 90, डिवाइड में हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90, तो यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा 8100 डिवाइड हो जाएगा 270, दैट मीन्स 30, इसका आंसर आएगा 30, यहाँ भी आंसर आएगा 30 क्योंकि वैल्यू हमने जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ हमने वैल्यू सेम ले रखी है तो वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, तो यहाँ पे भी 30 आएगा और यहाँ पर भी 30 आएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे पास स्टार में तीन रजिस्टर कनेक्टेड थे, उन्हें हमने डेल्टा में कनेक्ट किया तो 30 की वैल्यू हो गई 90, यहाँ पे हमने 90 लिया तो उन्हें जब स्टार में कनेक्ट किया तो वैल्यू हो गई हमारी 30, दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन किया है वो एकदम सही किया है, इससे हमें ये कन्फर्म हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा टू स्टार का एक फॉर्मूला लेते हैं, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टू स्टार के, इससे हम स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूले को ड्राइव करके देख लेते हैं कि इस तरह बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टू स्टार के जो फॉर्मूला है इससे हम स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर एक दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर दो दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर तीन दे देते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो हमारे इससे कन्फर्म होगा कि जो हमने कैलकुलेशन किया वो एकदम सही किया, बट यदि स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार के लिए
जस्ट हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन और टू का आर ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स आर ए बी में देखा जाए तो आर ए बी दो टाइम है, आर सी ए आर बी सी एक एक टाइम है, तो आर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर बी सी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए और डिवाइड में टोटल रजिस्टर हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं हम, देखे जाए तो आर बी सी इक्वेशन टू और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो टू और थ्री में देखा जाए तो बी सी बी सी कॉमन है, तो बी सी आर स्क्वायर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइड में टोटल रजिस्टर हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन फाइव दे देते हैं। वन और थ्री का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखा जाए तो सी ए इसमें भी है, सी ए इसमें भी है, तो आर स्क्वायर सी ए का स्क्वायर हो जाएगा आर ए बी धन आर बी सी और टोटल रजिस्टर हो जाएगा डिवाइड में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर सिक्स दे देते। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे फोर फाइव सिक्स का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर ए बी फ्रेंड्स तीनों इक्वेशन का समेशन कर देंगे तो आर ए बी हो जाएगा प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इधर देखा जाए तो इधर क्या होगा देख लेते हैं, लिख लेते हैं आर स्क्वायर ए बी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए और आगे देखा जाए तो होगा प्लस आर स्क्वायर बी सी प्लस आर ए बी प्लस आर सी ए। तीसरा देखा जाए तो होगा आर स्क्वायर सी ए आर ए बी आर बी सी और डिवाइड में हो जाएगा आर ए बी ये कॉमन है प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो हम यहाँ से आर स्क्वायर ए बी, यहाँ पे आर स्क्वायर ए बी है, यहाँ आर स्क्वायर बी सी है और यहाँ पे आर स्क्वायर सी ए है, तो तीनों यहाँ पे बच जाएंगे, बाकी आर ए बी आर बी सी और आर सी ए कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा, हम पहले कॉमन ले लेते हैं आर ए बी आर बी सी और आर सी ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए और डिवाइड में हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी। फ्रेंड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट इससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इज इक्वल टू होगा आर ए बी आर बी सी और आर सी ए डिवाइड में हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इसे हम नंबर दे देते हैं सात। तो फ्रेंड्स अब इक्वेशन का इतने भाग को देखा जाए, यदि यदि आर सी ए इक्वेशन के इतने भाग को देखा जाए तो ये होगा हमारा जो हमने पहले इक्वेशन ड्राइव की थी आर ए, देखा जाए डेल्टा टू स्टार से तो ये होगा आर ए बी आर सी ए, ये होगा हमारा आर ए के बराबर। तो हम यहाँ पे आर ए पुट कर देते हैं आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा आर ए हो गया आर ए आर बी सी। तो यहाँ से हम आर आर बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बी
प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइड में हो जाएगा आर ए। तो फ्रेंड्स ये देखा जाए तो यहाँ हमारे पास आर बी सी की वैल्यू आ गई है, ये आर बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो हमने ड्राइव की थी। देख लेते हैं आर ए बी आर सी ए और आर बी सी इज इक्वल टू आर ए। तो इस तरह हम तीनों इक्वेशन को ले सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन देखी जाए तो दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, यदि हम आर सी ए को छोड़ देते हैं और इतने पोर्शन को लेते हैं, आर सी ए को छोड़ने के बाद यदि हम आर सी ए को छोड़ देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आर बी के बराबर। आर बी में देखा जाए तो आर ए बी और आर बी सी, आर ए बी आर बी सी और नीचे टोटल है, तो हम आर ए सी के पोर्शन को छोड़ देते हैं तो क्या होगी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया आर बी के बराबर। तो आर बी आर बी सी, इससे हमें आर बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। आर बी सी की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइड में हो जाएगा आर बी। तो इस तरह हमें आर ए बी की वैल्यू आ गई। अब तीसरा देखा जाए तो हम यदि आर ए बी को छोड़ देते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। यदि हम आर ए बी को छोड़ देते हैं तो हमें आर सी की वैल्यू हो जाएगी, तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी तो तीसरा आ जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इज इक्वल टू हो गया हमारा आर सी और यहाँ पे है आर सी ए। यहाँ से हमें आर सी ए की वैल्यू मिल जाएगी, आर सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए और डिवाइड में हो जाएगा आर सी। तो फ्रेंड्स इस तरह हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा, पहले तो हमने वैल्यू से प्रूव किया कि जो स्टार टू डेल्टा होता है, डेल्टा टू स्टार होता है, वो एक ही होता है। उसके बाद डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूला लेके हमने उसे स्टार टू डेल्टा का ड्राइव कर लिया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।